गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज गए हैं 9 और अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी करके। बस ये मछलियों का आटा लगाया है और अभी मैं जाऊंगी आमेर जलमहल, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी मछलियों का कहाँ क्या क्या पे खाते हैं? डालूंगी। आप जी, फ्रिज माँ में, जी और मैं, फ्रिज में गाल गाल माँ देना जी एकदम। और मम्मी दो ठीक उधर इधर आए लगा। है। तेरे साथ में बना दे। क्यों हाँ बाटे क्यों? हाँ क्यों डॉक्टर ने मना करा फिर बोल तो हो गया। मैं ना भी मनी करे पापा से पूछ लेंगे, पापा से पूछ लेना। मैं तो खाऊंगी, मरूंगी तो मर जाऊंगी। अरे तो खा कर तो परेशान, मरो, अरे तो परेशान हो क्या फायदा, खा कर तो मरो। तो बीमार भी तो थे ही हो। बीमारी हो गई, बीमारी हो रही। अरे तो परेशान। मेरे बाल तो खुला पड़े थे है जोनी, बावड़े के नया होगा। आंटी से पूछूंगी जोनी को लेके चले गया है नहीं मछली, जाना मेरे को क्यों वहां पे जलमहल क्यों? अब काई का गुस्सा आ गया। बड़ी मछलियां नहीं है क्या यहाँ पे? ये जलमहल है, ये नीचे महल के पास है, बीच में कुछ नहीं खाती है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी। तो वो तब खाएंगी खाना, उसको खाते हैं। देखो कितना सुंदर नजारा है जलमहल का। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जलमहल में अंदर की तरफ कहाँ से जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू है। बहुत सुंदर नजारा है यहाँ का, और रौनक भी पूरी हो रही है एकदम, इतनी सुंदर रौनक हो रही है। शाम का तो और भी सुंदर लगता। देखिए कुछ अलग से पक्षी भी है, छोटे वाले। ये हाँ। नहीं इसमें दूसरे हैं यार, डक के साइड। हाँ देख ये मछली बड़ी बड़ी है, ये कितनी सारी फिश है, देख कितनी फिश है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ से नजारा ही बहुत सुंदर लग रहा है, डक के कितने डक है यहाँ पे, कई तरह के डक है यहाँ पे। और जस्ट मेरे पीछे जलमहल है। गाइस आपको दिखाने में यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा है, पीछे जलमहल है और पीछे काफ़ी डक हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। कमरक, कमरक स्टार बहुत अच्छा मिलता है जलमहल पे। गाइस आप देखो यहाँ का राजस्थानी
आमेर किला पे काफी, ये एंट्रेंस गेट है ऊपर का, जिसमें मैं आपको भी अंदर जाके दिखाऊंगी कि आमेर का नजारा कैसा। आमेर किला में माता जो थी शीतला माता, रुक अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, हम अभी अंदर आ गए हैं, आपको दिखाती हूँ अंदर का नजारा, बहुत सुंदर है देखो। अभी हम माता के दर्शन करेंगे, हम आमेर माता शीतला माता के। आप देख सकते हैं कितना सुंदर का, कितनी भीड़ भी है यहाँ पे, बहुत सुंदर नजारा भी है। यहाँ से अंदर जाने का है, अंदर से जाएंगे, यहाँ से ऊपर है शीश महल। जो इंतजार गए कर ली जो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सुंदर, हम लोग एक्चुअली ऊपर आ गए हैं काफी बहुत, तो ये अंदर सी स्मेल है गाइस। अब हम नीचे उतर के आ रहे हैं, हम माता के दर्शन करके जस्ट बस नीचे ही उतर रहे हैं, आपको नीचे मैं दिखाती हूँ, बहुत काफी हम ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत नीचे है। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, अच्छा डाइनिंग टेबल ये बच्चों के लायक है खेलने के। देखो ये राजस्थानी, बहुत सुंदर आप देख सकते हैं। अभी पी रहे हैं कुल्हड़ की चाय, है? उसका आनंद ले रहे हैं मौसम का, अब मौसम ठंडा होता जा रहा है बिल्कुल, है ना। कूलर की चाय भी अलग ही टेस्ट आता है। गाइस अभी मैं आमेर से उतर के कला मंदिर आई हूँ, यहाँ पे एंटिक चीजें मिलती हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी क्या है ये टिकट का वो है, लाल मतलब है ये लाल की जगह उपयोग जो भी कलर डालिए सारी फूल नहीं है ना। दिखाती हूँ मैं कितने सुंदर, पूरी वाइट हो रही है बिल्कुल, इतने डक हैं, ब्लैक वाले वाइट वाले और कलरफुल वाले। ये जल महल है देखो, अब कितना क्लीन आ रहे हैं यहाँ से, और वहाँ से तो बिल्कुल इतना पास में कहाँ कहाँ देख सफेद पूरा वो आ रहा है, सफेद चादर भी चाहिए। देख कितने सुंदर, देखना नजारा इतना सुंदर लगा है, बस कुछ समझ नहीं आ रहा पहाड़ियों के यहाँ का नजारा इतना सुंदर है, यहाँ जो जो शाम होती जा रही है ना, इतना पे ज्यादा आती है इसकी, हाँ
गाइस आज का वीडियो आपका कैसा लगा, क्योंकि आज मैं काफ़ी थक गई हूँ। मैं आमेर गई, जलमहल गई और अभी आके बस मैं चाय पी रही हूँ। और मैं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी मैं थक गई हूँ, मैं आपसे कल